जय हिंद दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी यानी जिसे हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, इसके पार्ट टू में। इसमें हम लोग समझेंगे कि अखंड भारत जो है, जो कि म्यांमार से शुरू होकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाता था, वे आखिर कैसे टूट गए और हमारे अभी वर्तमान भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग जानेंगे देसी रियासत जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, इसका किस प्रकार से आपस में मिलाया गया, यानी ये जो 552 देसी रियासत में यानी बटे हुए थे उसे कैसे एक किया गया। और हम लोग समझेंगे ABCD क्या है, हम लोग अध्ययन करेंगे, तो बने रहे आप हमारे इस वीडियो में। पहला है अखंड भारत जो है वे कैसे टूट गया, ठीक है। तो ये अखंड भारत की मैप्स हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, यानी रफली बना दिया है, ठीक। बात करें इंडिया की तो वर्तमान जो भारत है ये यही है, ठीक है, ये जो लाइन है यही भारत है। लेकिन अगर अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार ये सभी आते थे, ठीक है। अब समझते हैं कि ये अखंड भारत है ये टूटना कैसे प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये म्यांमार है, म्यांमार जो है 1935 ईस्वी में यहाँ से टूट गया, ठीक है। म्यांमार के बारे में हम मतलब बताएंगे जब हम लोग वर्ल्ड मैप्स पढ़ेंगे, है ना, विश्व मानचित्र, उसमें हम अध्ययन करेंगे। अभी समझ लीजिए जो म्यांमार है ये 1935 में टूट गया, 1935 ईस्वी में ये क्या हो गया, म्यांमार यहाँ से अलग हो गया। और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी क्या हो गया, बांग्लादेश भी अलग हो गया। उससे हम पहले हम लोग समझ लेते हैं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। अफगानिस्तान जो है ये ऊपर है, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर। ये अफगानिस्तान जो है 1893 ईस्वी में इसके बीच डोरंट लाइन खींचा गया, डोरंट लाइन, ठीक है। डोरंट लाइन के माध्यम से जो अफगानिस्तान है वे भारत से क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। पहले तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये क्या हो गया है, ये अलग हो गया है, ठीक है। अभी डोरंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन जब पाकिस्तान भारत में मिला हुआ था तब ये अफगानिस्तान एवं भारत के बीच में था, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं पाकिस्तान कैसे अलग हुआ। तो पाकिस्तान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये 1947 ईस्वी में अलग हुआ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है एक लाइन खींचा गया है जिसे हम लोग सीरियल रेड क्लिप लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अगर बात कर लें सीरियल रेड क्लिप लाइन के माध्यम से ये 1947 ईस्वी में क्या हो गया, हमसे अलग हो गया, ठीक है। और ये जो है जब अलग हुआ तो इसे हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो है इस साइड में जो बांग्लादेश है इसे हम लोग पहले बांग्लादेश ना करके इसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन इस ये दोनों क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण इसे जो है बांट दिया गया, ठीक है। और बांग्लादेश के बीच जो एक लाइन है जिसे हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, जीरो लाइन, जो कि बांग्लादेश एवं भारत को क्या करता है, अलग करता है, जीरो लाइन, ठीक है। जीरो लाइन के माध्यम से ही ये दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। तो जो अखंड भारत जो काफी मतलब बड़ा था, ठीक है, जो यहाँ म्यांमार से शुरू करके म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वे धीरे धीरे सिमट करके अभी यही बचा हुआ, यही हमारे वर्तमान में क्या है, हमारे भारत यही है, ठीक है। और इस साइड से भी कब्जा कर लिया गया जिसे हम लोग POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और इस साइड से भी चाइना ने कब्जा कर दिया, यहाँ पे चाइना है जिसे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो देसी रियासत है जिसे हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, ये किस प्रकार से अलग हो गया, यानी देसी रियासत कैसे टूटा, यानी ये देसी रियासत जो है 552 राज्यों में टूटा हुआ था। इसकी अगर बात करें देसी रियासत के, तो ये 552 राज्यों में टूटा था, क्या हुआ था, टूटा हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासत है, ठीक है, 552 देसी रियासत में टूटा हुआ था। लेकिन जो ब्रिटिश है यानी ब्रिटिश के ही हम लोग अधीन थे, 200 सालों तक गुलाम थे उनके, ठीक है। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि भारत में रह सकता है, या फिर स्वतंत्र देश बना सकता है, या फिर क्या पाकिस्तान में जाकर के मिल सकता है, यहाँ ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो 552 देसी रियासतों में से सभी तो मिल गए, लेकिन तीन जो रियासत हैं वे नहीं मिले,
और 13 देसी रियासत जो हैं वे कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, 13 देसी रियासत इससे अलग है, यानी ये राज्यों में टूटा हुआ था। ठीक है, पेनिनसुला स्टेट्स में बटा हुआ था, टूटा हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 552 राज्यों में से जो सभी तो मिल गए लेकिन तीन जो है वे नहीं मिले, जिसका नाम है ये जो देख रहे हैं आप, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये गुजरात का जो ये नीचे वाला क्षेत्र है इसे हम लोग जूनागढ़ कहते हैं, जूनागढ़। ठीक है, क्या है, जम्मू कश्मीर एवं जूनागढ़। ठीक है, और थर्ड में अगर बात करें तो तीसरा में है यहाँ आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है हैदराबाद, उस समय हैदराबाद जो है एक शहर हुआ करता था, हैदराबाद यानी वे प्रिंसली स्टेट हुआ करता था हैदराबाद। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे राजा थे उसका नाम था हरि सिंह। राजा कौन थे, हरि सिंह। ठीक है, ये राजा जो थे, राजा तो हिंदू थे लेकिन जो यहाँ की जनता थी, पब्लिक थी, वे मुस्लिम थे। उनका कहना था कि हम जो है ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही भारत में रहना पसंद करेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। ये किसका कहना था, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है वहाँ, यानी उसके वहाँ के राजा हरि सिंह की। और यहाँ के जो PM थे उसका नाम था शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर को क्या करना चाहता था, एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन क्या बात हो गई कि यहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आतंकवाद ये सब की घुसपैठी होने लगी और फिर यहाँ पे क्या हुआ, कब्जा करने लगा, अवैध रूप से कब्जा करने लगा। ठीक है, उसके पश्चात जो हरि सिंह है, हरि सिंह हमारे जो 1947 में PM बने थे जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास प्रस्ताव लेकर के आए कि हमको बचाइए। ठीक है, तो इन्होंने भी एक प्रस्ताव रखा कि हम तो बचा लेंगे लेकिन आपको जो है कहाँ मिलना पड़ेगा, भारत में ही मिलना पड़ेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये जम्मू कश्मीर जो है भारत का क्या हो गया, अंग बन गया। इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर है वे 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से क्या हुआ, ये भारत का अंग बन गया। ये जो है जो तीन देसी रियासत भारत में नहीं मिलना चाहते थे, इनको मिलाने का काम तीन व्यक्ति को दिया गया। पहला में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसकी जो नीति थी काफी मतलब सटीक थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दूसरा में है VP मेनन और थर्ड है माउंटबेटन। ठीक है, ये तीनों की ही भूमिका थी जिसके माध्यम से ये जो तीनों देसी रियासत हैं जो कि अलग देश बनाना चाहता था, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था और कोई भारत में रहना चाहता था। ठीक है, तो इसे देसी रियासत को, यानी जो 552 देसी रियासत है उसे जो टूटा हुआ है उसे एक किया गया। ठीक है, यही तीनों की मदद से। अब जूनागढ़ की बात यहाँ हुई, ये जूनागढ़ कह रहा था कि हम जो हैं हम स्वतंत्र देश नहीं बनाएंगे बल्कि हम जो हैं कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलना पसंद करेंगे। यानी इसको जो अधिकार दिया हुआ था, है ना, स्वतंत्रता दी गई थी, तो जूनागढ़ कहता है कि हम जो हैं कहाँ मिलना पसंद करेंगे, यहाँ जो पाकिस्तान है पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो थे मुस्लिम ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वे अधिक थे, इसलिए ये यहाँ पे मिलना चाहते थे। तो जूनागढ़ को रेफरेंडम करा करके, जिसे हम लोग जनमत संग्रह के माध्यम से इसे मिलाया गया। रेफरेंडम क्या होता है, तो जनमत यानी जनता का जो मत पूछा जाता है उसे हम लोग रेफरेंडम कहते हैं। यानी जनता के मत से ही कि यानी कौन भारत में रहना पसंद करता है, कौन पाकिस्तान में रहना पसंद करता है। तो कोई बोला कि हम भारत में रहेंगे, कोई बोलेगा हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो जिसकी संख्या जो है अधिक होती है उसी के माध्यम उसी को उस क्षेत्र में निवास करने के लिए दे दिया जाता है। तो जनमत संग्रह के माध्यम से ये जो है जूनागढ़ को भारत का क्या बना दिया गया, अंग बना दिया गया। जो 552 देसी रियासत थे इसमें से भी ये क्या हो गए, एक अंग बन गए। ठीक है, एक कर दिए, जो टूटा हुआ था उसे प्रिंसली स्टेट्स को एक में मतलब जोड़ दिए। ये हुआ जूनागढ़ की बात, रेफरेंडम करा करके यानी जनता का मत से, जनमत संग्रह से। ठीक है, जूनागढ़। अब बात हुई हैदराबाद, हैदराबाद के जो निजाम थे, यानी यहाँ के जो निजाम थे ये यहाँ पे हैं हैदराबाद। ठीक है, ये जो है यहाँ से मिलना चाहता था यहाँ पाकिस्तान में, बताइए, यहाँ से बोल रहा था कि हम जो है पाकिस्तान में मिलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, हम इसके बारे में बताए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया,
यहाँ पे पुलिस के वर्दी में आर्मी को भेजा गया है ना, पुलिस के वर्दी में आर्मी गया। और फिर जो हैदराबाद है, हैदराबाद में जो मतलब यहाँ पे हिंसा हो रहा था, इसे क्या किया गया, पुलिस के वर्दी में आर्मी भेजा और फिर इसे शांत करा लिया गया और हैदराबाद को भी भारत का अंग बना लिया गया। ठीक है, इसे हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ठीक, अब समझते हैं हम लोग ए बी सी डी क्या है। अब हम लोग समझते हैं जो ए बी सी डी है ये क्या है, यानी हमने देखा जो देसी रियासत है, जो 552 देसी रियासत है राज्यों में टूटा हुआ था, उसे समेट करके एक बना दिया गया। ठीक है, ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन का था। ठीक है, लेकिन ये जो है एक तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे गलती क्या कर दिया, इसे ए बी सी डी क्षेत्र में बांट दिया गया। ए बी सी डी ये अल्फाबेट नहीं है, ए बी सी डी जो हमने यहाँ पे लिखा है, ए बी सी डी का मतलब होता है, ठीक है, ए बी सी डी के क्षेत्रों में बांट दिया गया है ना, यानी ब्रिटिश पर वाइन, यानी इन्हें अधिकार दे दिया गया, ये चाहें तो जो अंग्रेज शासन है उनके अधीन भी रह सकता है, उनके निगरानी में भी रह सकता है, या फिर ये जो है प्रिंसली स्टेट यानी ये देसी रियासत में भी रह सकता है, देसी रियासत। ठीक है, जो देसी रियासत है वे अगर चाहे तो देसी रियासत में भी रह सकते हैं, ब्रिटिश प्रोवाइन में भी क्षेत्र में भी रह सकते हैं, और सी मतलब जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य भूमि या मुख्य क्षेत्र हैं वहाँ भी रह सकते हैं, जिसे हम लोग कमीशन स्टेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि कोलकाता हो गए, पुणे हो गए है ना, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है मुख्य जगह हैं, वहाँ पे भी अगर चाहें तो रह सकते हैं। और DUT जिसे हम लोग UT यानी यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, इस साइड में अंडमान निकोबार हो गया, तो जो व्यक्ति हैं यानी यहाँ के जो निवासी हैं अगर वो चाहें तो अंडमान निकोबार में भी रह सकते हैं, लक्षद्वीप में भी रह सकते हैं, यानी यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अखंड भारत जो कि मतलब काफ़ी बड़े विशाल थे वे सिमट करके काफ़ी मतलब छोटे हो गए हैं। ठीक है, और फिर वर्तमान में अभी यही हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें राज्य की तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, और यूटी की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो अभी 8 हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।